हेलो एवरीवन, आई एम एम के एंड यू आर वॉचिंग टेक ऑफिस। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ रिसोरेक्शन रिमिक्स का लेटेस्ट बिल्ड, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलती है। और इस रोम का रिव्यू मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो हर एक फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या कुछ देखने को मिल जाता है और किस तरीके से काम करता है। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, बट रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप ऑल फीचर्स जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 10 और प्रीव्यू के रूप में आपको एक डेमो दिखाई देता है अपने सेलफोन का ही यहाँ पे, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिल जाता है जो कि 9.4 का है, ऑफिशियल बिल्ड है। यहाँ पे आपको जो 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है, 1 मई का आपको वेंडर मिलता है, गूगल प्ले सिस्टम 10 आपको देखने को मिलता है, कर्नेल 4.9 का प्रीफ यूज किया गया है, सितंबर 4 का यहाँ पे आपको बिल्ड है देखने को मिल जाता है। बैक की साइड को चलते थे, आप देख सकते हो हर एक जगह आपको देखने को मिल जाते हैं आइकन जो कि मॉडिफाइड किए गए हैं, जो कि देखने में भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आते सिस्टम में तो आपको अपडेटर का सेशन मिलता है, जहाँ से ओटी अपडेट नेक्स्ट टाइम चेक कर पाओगे, लेकिन आपको फुल पैकेज ही डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से ओटी अपडेट दिखाता है, तो MIUI जैसा नहीं आपको स्मॉल पैकेज मिलेगा। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ अभी तक पिक्सल एक्सपीरियंस के रोम में ही अवेलेबल है, जो कि स्मॉल पैकेज में ओटी मिलता है। हर एक सेटिंग के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लाइव डेमो देखने को मिलता है प्रीव्यू के रूप में, जो कि बिल्कुल यूनिक सा लुक देता है इस रोम को। वहीं पर आपको मल्टी यूजर्स अकाउंट मिल जाता है, जो कि बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं। यहाँ पे जेस्चर्स में आपको जंप कैमरा नेपबार का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सो एनिमेशन को हाइड करने का, फीडबैक को और यहाँ पे डिसेबल करने का नेपबार वगैरह मिल जाता है, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। लैपटॉप प्लेबैक म्यूजिक और यहाँ पे प्राइवेट रिंगिंग वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे MIUI का लुक आप इनेबल कर सकते हो और जो भी इमेज आप सेट करोगे अपने यूजर्स के ऊपर वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल मैंने कोई भी सेट नहीं कर रखा है। यहाँ पे आते आगे की ओर तो आपको मिल जाता है सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको फेस अनलॉक मिलता है, जो कि हमारे नाइट मोड में भी काम करता है, यानी IR कैमरा सपोर्ट करता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिंगरप्रिंट का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप देखते हो लाइव किस तरीके से सिक्योरिटी का आपको स्कैनिंग देखने को मिल रहा है, सर्चिंग वगैरह, जो कि काफी अच्छा लगता है। GPS के अंदर भी आपको GPS का प्रीव्यू देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से, जो कि परफेक्ट है। और अगर हम साउंड के प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है म्यूजिक वगैरह के ऑप्शंस, यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्ट साउंड इनहेंसर भी मिलता है, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। आते हैं डिस्प्ले की ओर तो आपको मिल जाता है ब्राइटनेस लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन, जहाँ पे हम इसे इनेबल करेंगे तो आपको कलर में चेंज में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें डार्क मोड को डिसेबल करना होगा। आप देख सकते हो सारे कलर यहाँ पे उड़ गए हैं, तो मान जो ये रीडिंग मोड है ये अच्छे तरीके से काम करता है, तो इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। कलर कोलाबरेशन भी आपको वर्किंग मिलता है, नाइट मोड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए क्लॉक के, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ग्रिड, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कुछ ज्यादा 6x6 प्रोवाइड किया गया है। बस सिंगल यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, बट आप चाहो तो थर्ड पार्टी वॉलपेपर वगैरह आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉक के ऊपर है जो नोटिफिकेशन वगैरह का एरिया, जो कि आप एडजस्ट कर पाओगे। एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर आपको पॉकेट हैंडवेयर एंड पिक अप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि परफेक्टली काम करता है। हर एक सेटिंग के अंदर आपको आइकन देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। पॉकेट डिडक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो अभी मैंने इसे चार्ज किया चार्जिंग टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे 75 के बाद मुझे स्लो चार्जिंग देखने को मिला है। उसके पहले तो फास्ट चार्जिंग काम करता है, बट 75 के बाद ये हल्का स्लो हो जाता है, तो मे बी आपको ऑफिशियल MIUI के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा चार्जिंग कंप्लीट करने के लिए। इसलिए मैंने अभी फुल चार्ज किया था करीब करीब, तो यहाँ पे फिर से परसेंटेज 0 से शुरू हुआ है, इसलिए स्क्रीन ऑन टाइमिंग की ज्यादा डिटेल मैं आपको नहीं दे सकता। यहाँ पे आते हैं तो ये रहा ह्यूज कस्टमाइजेशन, जो कि सबसे पहला रोम है रिसोरेक्शन रिमिक्स का, जिसके बाद ही बाकी के रोम में कई सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिले थे। तो फिर से आना शुरू हो गया एंड्रॉइड 10 के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, जैसे कि आपको स्टेटस बार ट्यूनर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्टेटस बार जेस्चर्स वगैरह आपको दिखाई देगा, कैरियर लेवल के अंदर आप टाइम एंड डेट वगैरह स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है 100 इंडक्टर वोल्टी का आइकन वगैरह, वो वाईफाई भी मिल जाते हैं और कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अभी फिलहाल एक इनेबल है। मैं आइकन 6 पे आऊंगा तो कुछ इस तरीके से चेंजमेंट आएगा, आइकन 4 पे HD आ जाता है, 3 पे आपको वोल्टी का आइकन अलग देखने को मिलता है, तो जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4G LTE नोटिफिकेशन काउंटर, जो कि यहाँ पे शो करेगा, ब्रीथिंग वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बैक की ओर आते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पे लोगो, जहाँ पे रिसोरेक्शन का आप लोगो इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको बैटरी मिल जाता है, नोटिफिकेशन ट्रैकर मिलता है, ट्रैफिक और क्लॉक की कस्टमाइजेशन। पैनल की ओर आते हैं तो क्विक सेटिंग देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉयन कॉलम मेंटेन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, और यहाँ पे हर एक जगह आपको ये प्रीव्यू देखने को मिलता है। बट रियली में अगर ये प्रीव्यू के रूप में काम करता कि हम चेंज करें यहाँ पे दिखाई दे, तो वो ज्यादा बेटर होता, शायद इन फ्यूचर ऐड कर दिया जाए, बट अभी भी देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है।
यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, रिप्लेस टेक्स्ट वगैरह आपको मिलता है, टिंट ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक्टिव लेवल टिंट भी देखने को मिलते हैं। यूज डिफॉल्ट कलर और आरजीबी का ऑप्शन, अगर मैं इसे इनेबल करूंगा तो आपको काफी कमाल के चेंजमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये कलर चेंज होता है, ये कितने टाइम पे चेंज होगा, इसके स्केल को भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर क्यूब कर दूं तो काफी जल्दी होगा, अगर मैं इसे 90 सेकेंड करूं तो कुछ टाइम लगाएगा इसे कलर को चेंज होने में। तो ये अगर आपको पसंद आता है तो आप यूज कर सकते हो, बट मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। यहाँ पे ग्रेडियंट बैकग्राउंड को भी आप चाहो तो हटा सकते हो, सिंपल सा हो जाएगा। इसे इनेबल करते हैं आपको बैकग्राउंड ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी जीपीयू सीपीयू वगैरह का टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। डेली कितना डेटा यूज होता है वो भी आप यहाँ पे जो मैनेज कर पाओगे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो भी काफी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बाकी आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं, बैटरी का लोकेशन मिल जाता है, ब्राइटनेस का मिलता है, फोटोज का मिलता है, और एडिट आइकन वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। नीचे अगर आपको हेडर रिसेंट और वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे वॉल्यूम पैनल अभी सिंपल सा है, अगर आप चाहो इसे चेंज करना तो कर सकते हो। यहाँ पे ओरियो का लुक आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। अगेन फिर से चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्ट में आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एओएसपी में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, और अगर हम डिफॉल्ट पे आते हैं तो डिफॉल्ट पे आपको सेम देखने को मिलता है। लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, म्यूजिक कार्ड रिंगिंग अलार्म वगैरह इनेबल करना है वो चीजें आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ताकि वन टाइम ये शो हो, तो भी आपको फीचर्स यहाँ पे दिखाई देता है। आगे आते हैं सिस्टम के अंदर, तो कलर पिकर, जहाँ पे ग्रेडियंट कलर आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, अगर गलत कॉम्बिनेशन हो गया है तो आप उसे रिसेट भी कर सकते हो। बटन नेम बार में सेम वही चीजें देखने को मिलता है जो कि अबाउट के सेक्शन में मिला था, और कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन जहाँ पे लॉन्ग स्वाइप और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और हैप्टिक फीडबैक भी दिखाई देता है। पार्ट्स के अंदर आपको सिस्टम प्रोफाइल, चार्जिंग साउंड, राउंड कॉर्नर साउंड्स के ऑप्शन, जो कि इसमें छेड़छाड़ ना करो तो ज्यादा बेटर है, और सिस्टम ईवाई ट्विनर, जहाँ पे प्लगिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन में लेफ्ट राइट क्या रखना है, नेप बार का लेआउट कैसा होना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब रखना है या नहीं, क्विक सेटिंग में ब्राइटनेस स्लाइडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और बाकी अदर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है वाइब्रेट का, जेस्चर एनीवेयर पल्स, जो कि म्यूजिक इफेक्ट दिखाता है हमारे नेबर के ऊपर। तो फुल स्क्रीन व्यू में तो कोई बेनिफिट देगा नहीं, बट आप हटा के रखोगे तो दिखाई देगा। बैटरी ऑप्टिमाइज में आपको देखने को मिलता है ऑटो बैटरी सेवर, सेंसर ब्लॉक का ऑप्शन, एनिमेशन के अंदर आपको एनिमेशन मिल जाते हैं हरेक टाइल्स को एनिमेट करने का ऑप्शन, इंटरफेस के अंदर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन और रिबूट पे आफ्टर अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है। एज लाइटनिंग भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे कलर्स आप चेंज कर सकते हो कैसा होना चाहिए, सॉलिड वगैरह या फेज वगैरह, वहीं पे हैंड्स अप, और डैशबोर्ड का लुक कैसा होना चाहिए जो कि अभी देखने को मिल रहा है वो आप चेंज कर सकते हो। फॉन्ट, गेमिंग मोड और मिसलेनियस में आपको मिलता है नोटिफिकेशन, किल का ऑप्शन, हाइड स्मार्ट और डिसेबल एक्सिन नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हो स्प्लिट और इन्फो का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मिसलेनियस के अंदर आपको वेदर और अपडेटर यानी ओटीए का सेशन, जो कि हमें अबाउट में देखने को मिला था। यहाँ पे टाइप करते हैं आपको जो सेटिंग का लेआउट मिल जाता है, अबाउट मिल जाता है, रीसेट का मिल जाता है, रीस्टार्ट, अपडेटर और थीम्स वगैरह के ऑप्शन। इस पर अगर मैं टाइप करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा इसके लुक में चेंजमेंट, जो कि कुछ इस तरीके से अब बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। फिर से अगर मैं चेंज करूंगा तो ये डिफॉल्ट कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जैसा कि हमें पहले वाइपर ओएस के अंदर देखने को मिलता था, तो कुछ उस टाइप से लुक देखने को मिलता है। अगेन टाइप करने पे फिर से ये डिफॉल्ट जैसा था उस पे आ जाएगा। तो जितने भी कस्टमाइजेशन है वो सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिल जाते हैं और बिल्कुल ही परफेक्टली काम करते हैं, जो कि मुझे रियलमी में काफी ज्यादा पसंद आया है। और मैं अभी बिना गैप वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलिंग से रिलेटेड कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि DND वाइब्रेट का फीचर्स, कॉल रिकॉर्डिंग का, स्मार्ट म्यूट का, सेंसर ब्लॉक करने का फीचर्स और ब्लॉकिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। सिंपल कैमरा दिया गया है, बट आप जीकेम यहाँ पे यूज कर सकते हो, नो इशूज। और यहाँ पे जो अनटूटू का स्कोर है वो हर बार पता नहीं क्यों हमारे पोको में कम आता है, जबकि MIUI पे काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 197575 का स्कोर देखने को मिला है, जो कि हमारे पोको F1 पे आ रहा है, जबकि MIUI पे 34 और 33 का स्कोर हमें देखने को मिल जाता है। इसे फिलहाल मैंने रूट किया है, तो रूट के पहले नेट सेफ्टी पास था, बट रूट करते ही नेट सेफ्टी फेल हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो दिया था कि किस तरीके से आप अपने नेट सेफ्टी को पास कर सकते हो, तो आपने वो वीडियो वॉच किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने नेट सेफ्टी को बिल्कुल ही फिक्स कर पाओगे अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेट सेफ्टी यहाँ पे फेल है, तो आप उस वीडियो को देख के फिक्स कर सकते हो। ऑडियो इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो आपको L1 का सपोर्ट भी मिलता है, यानी अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलता है,
जो कि अच्छे से काम करता है। स्टूडियो साउंड का ऑप्शन मिलता है, पल्स का भी, नेबार का भी, कॉन्फ़िगरेशन का, हॉटस्पॉट परफेक्ट वर्किंग है, ऑन द गो का भी फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे शेयर बाय नाइबर आपको देखने को मिल जाता है, सीपीयू, रिंगटोन, प्ले और सिंक का भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यानी हर एक कस्टमाइजेशन अवेलेबल है जो कि बाकी अदर अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं रोम में, जैसे कि एमएसएम एक्सटेंडेड, होबॉक और बाकी अदर चीजें। तो यहाँ पे सारी चीज आपको मिल जाता है, किसी और रोम पे स्विच करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट अभी मुझे सम टाइम इसमें जो फ्रिज का प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो मे बी इन फ्यूचर ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी के फिलहाल कभी कभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। रही बात की इसे फ्लैश कैसे करना है, तो उसके लिए हमें स्विच करना होगा टी डब्ल्यू पे की ओर। टी डब्ल्यू पे में स्विच होने के बाद आपको वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप में डेलवेक सिस्टम, कैच, डेटा, वेंडर वगैरह जो भी है सभी को सिलेक्ट करना है। बस इंटरनल यूएसबी और एसडी कार्ड को आपको अनसेलेक्ट करना है। आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं फिलहाल अभी ऑफिशियल यूज कर रहा हूँ। और आप इंटरनल स्टोरेज का बैकअप हमेशा रखें, क्योंकि सम टाइम मे बी प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे रियर केस में प्रॉब्लम आता है तो ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा, तो सेफ्टी के लिए आप उसका बैकअप जरूर रखें। ओके, अब उसके बाद आपको होम पे जाना है, इंस्टॉल पे जाना है, जहाँ पे फाइल है उसे सिलेक्ट करना है, जो कि आप देख सकते हो RROSQ 8.5.9। उसके बाद आपको गैप सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे बिट गैप सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो नैनो, पिको, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर दें। रीड फ्लैश हो जाने के बाद वाइप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम MIUI से स्विच कर रहे हो किसी कस्टम रोम पे, तो आपको DFE डालने की जरूरत है। अगर आप पहले भी कस्टम रोम यूज करके और कस्टम से कस्टम पे जा रहे हो, तो आपको DFE की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद रिबूट पे टैप कर देना है, ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट करना है, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिट गैप्स यूज करते हो तो कोई भी सेटअप करने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। अगर आप कोई अदर गैप्स यूज करते हो तो डायरेक्ट आपको सेटअप करना होगा, जीमेल अकाउंट वगैरह, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉकिंग, उसके बाद आप इसे यूज कर पाओगे। आप अगर इसे ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आज की वीडियो कैसी लगी आपको, ये कस्टमाइजेशन कैसा लगा इस RR रोम का, आप कमेंट करके जरूर बताना। काफी टाइम से मैं पोको के वीडियो नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं MIUI 12 का वेट कर रहा था, बट भाई अब फिलहाल मैं भी थक चुका हूँ वेट कर करके। तो अगर आप स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो इस रोम को या किसी अदर कस्टम रोम को आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि भाई MIUI जब आएगा जब मैं आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।